मार्च माह में दुनिया भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। हमारे देश भारत के साथ साथ हरियाणा में भी सरकार ने सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाकर आवागमन के साधन भी बंद कर दिए थे, जिसके चलते एलनाबाद से चलकर चंडीगढ़ और दिल्ली जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसके तहत हरियाणा रोडवेज की बसें भी फिर से सड़कों पर दौड़नी शुरू हो चुकी है और आम जनजीवन भी फिर से पटरी पर आ रहा है। लेकिन पिछले करीब 7 महीनों से बंद पड़ी एलनाबाद से चंडीगढ़ और एलनाबाद से दिल्ली की बस सेवाएं अभी भी ठप होने से यहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये बसें एलनाबाद क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि हरियाणा के सबसे अंतिम छोर पर बसने वाले एलनाबाद से चंडीगढ़ और एलनाबाद से दिल्ली के लिए इन बसों के अलावा और कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोगों को अपने कई कामों के लिए अक्सर चंडीगढ़ और दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन इन बस सेवाओं के बंद हो जाने से लोगों को या तो अपना निजी वाहन या फिर किराए का वाहन लेकर जाना पड़ता है या फिर प्राइवेट बसों में चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं। यहाँ के लोगों ने हरियाणा सरकार से इन दोनों बस सेवाओं को तुरंत बहाल किए जाने की मांग की है। मैं तेलुराम डुगरिया, जिला प्रधान भारतीय मजदूर संघ, मैं डिमांड करता हूँ कि जो एलनाबाद से बस कोरोना के दौरान बंद कर दी गई थी, उसके दौरान चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, सबका काम मान ले चंडीगढ़ होता है राजधानी के अंदर, और उसके कारण मान ले यहाँ से बड़ी परेशानी होती है लोगों को आने जाने के लिए। तो मेरा अनुरोध यही है कि बस ये जल्द से जल्द खुली जाए। एलनाबाद से चंडीगढ़ के लिए बस इसलिए जरूरी है, एलनाबाद जो है वो हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। हमारी सरकार से डिमांड है एलनाबाद से चंडीगढ़ के लिए बस चलिए चलाई जाए, क्योंकि मेडिकल सुविधा, एजुकेशन की सुविधा और व्यापारिक लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से भी चंडीगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जगह है। एलनाबाद के सभी नागरिकों को चंडीगढ़ यदा कदा काम पड़ता है, इसलिए हम सरकार से दोबारा डिमांड करते हैं भाई ये बस जो है पहले हमारे जो सुबह 3:40 पर चलती थी उस बस को दोबारा चलाई जाए। देश जिस तरह से अब अनलॉक की स्थिति में है और अभी भी जो हमारे शहर से चंडीगढ़ के लिए जो बस से कनेक्टिविटी है वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। हमारे वकील साथियों को भी हाईकोर्ट में अप्रोच करने के लिए, अपने केसेज की डिस्कशन के लिए और क्लाइंट्स को भी अपने केसेज की डिस्कशन के लिए, नई फाइलिंग के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए एलनाबाद से डायरेक्ट किसी भी प्रकार की बस की सुविधा अभी नहीं है, जिससे एक भारी परेशानी का सामना लोगों को, क्लाइंटों को और वकीलों को करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कहूँ तो हमारे इस क्षेत्र से बहुत से बच्चे अपनी एजुकेशन के लिए भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, जिनको वहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए जाना आना पड़ता है, उनके लिए भी काफ़ी असुविधा है। और मरीजों की बात करें तो मरीजों के लिए भी काफ़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि उनके लिए भी चंडीगढ़ की अप्रोच के लिए अभी कोई साधन नहीं है। ये बिल्कुल हरियाणा के अंतिम छोर का हमारा एक कस्बा है एलनाबाद शहर, और जिसके लिए चंडीगढ़ अप्रोच होना बाय बस बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेन्स भी अभी हमारे यहाँ से बंद हैं, उनकी भी अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि जल्द से जल्द जो सुबह यहाँ से चंडीगढ़ की डायरेक्ट सेवा थी वो जल्द शुरू की जाए, ताकि आम जन को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और वो इसका सुविधा का लाभ ले सके। मैं हरिराम जाजरा, प्रदेश उपाध्यक्ष PWD कर्मचारी संघ, हरियाणा सरकार व परिवहन मंत्री से मांग करता हूं कि हमारे कर्मचारियों की जो कार्य हेड ऑफिस में होते हैं यूनियन संबंधित, हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है एलनाबाद से। कोरोना के कारण जो मार्च में बस बंद कर दी गई थी, बाकी बसें दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ के फुल सवारियां भर के जा रही है, और ये बस जल्द से जल्द चालू करवाने की मांग करते हैं, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ में और दिल्ली में हमारे संघ से संबंधित, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित मीटिंगों के बारे में दिल्ली जाना पड़ता है, और व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान, इनको भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, और व्यापारी और स्टूडेंट के लिए ये बसें बहुत ज़रूरी है और हमें कर्मचारियों भी इसकी आवश्यकता है, इसलिए हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन बसों को चलाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि उक्त दोनों ही बसें एलनाबाद से सुबह सवेरे 4:45 चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए रवाना होती थी, जो सुबह लगभग 10 चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंच जाती थी। यहां से जाने वाले लोग 2-4 घंटे में अपना काम निपटाकर वापस उसी बस में बैठकर शाम को 8-9 तक वापस अपने घर आ सकते थे, जिससे उनका समय और धन दोनों बचता था। इन बसों के परिचालन के संबंध में हमने एलनाबाद में हरियाणा रोडवेज के बस अड्डा प्रभारी दयाराम से मिलकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि
एक बस चलती है अपने एलावा से चंडीगढ़ के लिए, तो वो बस काफ़ी दिनों से बंद है, कारण क्या है, कब तक शुरू होने की संभावना है? वो कोरोना की वजह से बंद की है जी, एक बार सारी बसें बंद हो गई थी, उसके बाद अगर पब्लिक की डिमांड आएगी तो वो बसें जरूर चलेगी। मैं भी प्रशासन को लिख दूंगा और बस चलानी पड़ेगी, प्रशासन को भी चलानी। तो अभी तक डिमांड आई नहीं आपके पास? नहीं, मेरे पास अभी तक किसी की डिमांड नहीं आई जी। बाकी मैंने वैसे अपने वर्बली तौर पर साहब को अवगत भी करा रखे, वो जल्दी वैसे चला भी देंगे, सरसा से उस टाइम को हमने चला दिया जी, और इलाहाबाद जस्ट कर देंगे जल्दी, पब्लिक की डिमांड आती है। अभी तक आपने कोई लेटर नहीं लिखा उनको? नहीं, लेटर अभी तक मैंने नहीं लिखा जी, और लिख दूंगा पब्लिक की डिमांड आती है, लिख दूंगा इनको। बाकी वैसे वर्बली तौर पर मैंने अवगत करा रखे, एक दो सवारियाँ पूछने के लिए आती है, इसलिए मैंने कह रहा। कब तक चलने की संभावना है? जल्दी चल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने बहुमूल्य कमेंट भी हमें भेजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सके। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक आप हर तरह की ताज़ा जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।